नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का यू सी लाइव के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है आशुतोष और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं आज का जो ये मॉक टेस्ट रहेगा इसमें हम सेवनटीन नंबर का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे इससे पहले हमने सोलह मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे यही रिक्वेस्ट करूँगा जाके ज़रूर देखें आज जो हम मॉक टेस्ट करेंगे ये आपका ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर का पेपर है तो जो 9 मार्च 2020 को ये ऑलरेडी एक पेपर है 2020 हज़ार मार्च को थर्ड शिफ्ट हुई थी वहाँ का आ, उस पेपर को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जिन बच्चों ने ये पेपर दिया था उनको तो पता होगा क्या लेवल था जिनको नहीं पता आज देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करोगे आपको उतना सा उतना ही आपको अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा तो करते हैं शुरू आज की क्लास चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्या बोला है फोर लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ थ्री आर लाइक इन द सेम मैनर एंड वन इज डिफरेंट सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर तीन दे रखे और इनमें से एक क्या है ऑड वन आउट है एक क्लस्टर जो है ऑड है आपको वही ढूंढना है तो मैं लिखता हूं आप इसको साथ में ट्राई कीजिए देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं जिन्होंने दिया है पेपर उनको तो पता होगा क्या था इसका आंसर लेकिन जो पहली बार देने जा रहा है जो पहली बार देख रहा है उसको तो पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन करते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो आपके पास लॉजिक है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो तो बी और जी में प्लस थ्री का इंक्रीज दिख रहा है टी और एफ में भी आप बोलोगे सर प्लस थ्री का इंक्रीज दिख रहा है ई e और एच में भी प्लस थ्री का इंक्रीज दिख रहा है कैसे ई e की वैल्यू पाँच और इसकी वैल्यू एट ये तो मेरे को पता है e की वैल्यू कितनी होती है तीन और जी की वैल्यू सेवन तो ये वैल्यू अगर आपको पता होंगी तो आप लिख सकते हो लेकिन आपको पता है बी से बी की वैल्यू होती है टू टू में जैसे ही थ्री का एडिशन करोगे आना क्या चाहिए आना चाहिए ई e, आया है एफ तो आपको ऑड वन कौन सा हो जाएगा बी एफ एफ यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास ऑड वन आउट है तो उम्मीद करता हूँ आपने पहला क्वेश्चन कर लिया होगा ऑड वन आउट आपको लग गया होगा पता चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज आपको ये क्वेश्चन मार्क हटा के बताना है यहाँ पे क्या आएगा तो मैं लिखता हूँ आप इसको ट्राई कीजिए सी ई जे सॉरी सी ई एच के एम ओ आर क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है सामने दिख रहा है प्लस टू का एडिशन हो रहा है ठीक है तीन दो पाँच लेकिन पाँच तीन कितने होते हैं आठ तो मेरे पास एक सीरीज बन रही है दो तीन ठीक है हो सकता अगला है अगला डिजिट चार आए लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं एच आठ और जे दस तो मतलब यहां जाएगा दो का इंक्रीज लेकिन यहां पे फिर से तीन का इंक्रीज तो यहां पे मेरे पास एक सीरीज आ गई टू थ्री टू थ्री तो मतलब यहां पे भी डेफिनेटली टू है यहां पे भी डेफिनेटली थ्री है तो यहां पे क्या आना चाहिए टू आना चाहिए अब आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ठीक है आर की प्लेस वैल्यू होती है एटीन एटीन में टू को इंक्रीज करोगे आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी पे आपके पास होते हैं ऑप्शन नंबर बी टी तो यहाँ right आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन था आराम से आप कर सकते हो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी ट्राइंगल आर गिवन इन द फिगर आप इसको ट्राई कीजिए देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ठीक है तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं इनको क्या कर देता हूँ नाम दे देता हूँ ठीक है एक ऐसे करते हैं नाम दे देते हैं जैसे एक मिनट में थोड़ा सा कलर रेड रखता जैसे मैंने बोला ये एल वाला आ गया ठीक है इसके बाद यहाँ पे मैं एम दे देता हूँ यहाँ पे एन और यहाँ पे ओ ठीक है इसको मैं देता हूँ पी ओ आर एक तरह से क्या कर रहा हूँ मैं इनको ट्राइंगल को नाम दे रहा हूँ जो जो ये पॉइंट है ना इनको मैं नाम दे रहा हूँ ठीक है इन पॉइंट को मैं क्या दे रहा हूँ नाम दे रहा हूँ ठीक है तो आपने भी वही काम करना है यू आ गया अब यहाँ पे हमने दिया था ऊपर नहीं यहाँ पे आ गया एस यहाँ पे मैं दे देता हूँ अवी ठीक है थोड़ा सा इसको साफ करके लिखता हूँ इसको मैं देता हूँ ढंग से अवी फिर इसके बाद हमें देखना है कैसे कैसे पेयर बन रहे है अवी और इसको मैं दे देता हूँ डब्ल्यू इसको मैं दे देता हूँ सी ठीक है तो मेरे पास एक तरह से पेयर बन गए ये वाला जो हो जाएगा ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी अब आपको इनको पेयर बनाना है जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो सबसे पहला क्या बनेगा एल एम सॉरी एल एल एन एम तो एक पेयर बना मेरे पास एल एन एम ठीक है देखो एल एन एम दूसरा बनेगा एल एन ओ एल एन ओ दूसरा बना मेरे पास एल एन ओ ठीक है दो ट्राइंगल मेरे को दिख चुके हैं एल एन एम एल एन ओ तीसरा बनेगा मेरे पास एल एम ओ एल एम ओ तीन ट्राइंगल हो चुके हैं ठीक है नेक्स्ट देखता हूँ तो एल क्यू आर ठीक है एल क्यू आर ठीक है नेक्स्ट देखता हूँ एल क्यू पी एल क्यू पी इसके बाद देखते हैं एल पी आर एल पी आर एक ट्रायंगल ये बन गया नेक्स्ट देखते हैं एल वी टी ठीक है एल वी टी ठीक है अगला बन जाएगा एल वी सी ठीक है अगला बनेगा एल टी -E सी ठीक है तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अभी तक मेरे पास नाइन हो चुके हैं नेक्स्ट देखते हैं एल ए जेड ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा एल जेड बी टेन हो चुके हैं ठीक है थीके? अब चलते हैं एस से शुरू करते हैं ठीक है एस वी यू अब नेक्स्ट आ जाएगा एस बी डब्ल्यू एस यू डब्ल्यू अगला आ जाएगा एस ए जेड एस ए बी ठीक है तो अभी तक मेरे पास ये ये ट्रायंगल बन रहे हैं अगला आ जाएगा एस जेड बी ठीक है अगला मैं देखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एस जेड एल ठीक है तो इसके बाद देखते हैं मेरे पास कौन सा आ रहा है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस बी एल ठीक है टी यू जेड और कौन सा बच्चा टी और डब्ल्यू ठीक है तो ये मेरे पास अभी तक पेयर बने हैं इस पूरे ट्राइंगल में ये वाले पेयर बनेंगे तो इनको काउंट करते हैं हमारे पास कितने टोटल एंगल बने अभी तक तो देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास राइट आंसर कितना है ट्वेंटी टू ट्राइंगल इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आपको कभी भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते जहां हो जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन हो ठीक है इनको पॉइंट जो दे रखे हैं इनको कोई ना कोई पॉइंट मान लो फिर आपको सामने दिख रहा है जैसे एल ये दिख रहा है ठीक है ये वाला भी आपको सामने दिख रहा है बस आपको इसको थोड़ा सा काउंट करते वक्त ध्यान में रखना है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आप इसको ट्राई कीजिए सबसे पहले बोला है ए का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन बी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन सी का मतलब होता है एडिशन डी का मतलब होता है डिवीजन आपको ये सारे के सारे साइन चेंज करने हैं और निकालना है तो 43 सी का मतलब क्या है जी सी का मतलब है एडिशन तो यहाँ पे कर लेते हैं ट्वेंटी नाइन ठीक है बी का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन ठीक है थ्री ए का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन 14 फिर बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन फाइव सी फोर फाइव सी फोर मतलब नाइन है जी फिर से प्लस इलेवन प्लस आ, यहाँ पे आ जाएगा फोर्टीन ए थ्री फोर्टीन से गए इलेवन ठीक है यहाँ पे ए का मतलब सब्ट्रैक्शन सिक्सटी फोर डी का मतलब है डिवीज़न एट बी का मतलब, मतलब कहाँ पे गया मल्टीप्लाई टू तो सबसे पहले ये सारी की सारी मेरे पास एक इक्वेशन बनी अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे को पता है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बोर्ड मार्स लगाना पड़ेगा तो मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे तो आ जाएगा एट इन टू इसको करता हूँ तो ये तो आ जाएगा एट्टी सेवन तो फोर्टी थ्री प्लस एट्टी सेवन माइनस फोर्टीन को नाइन से करना पड़ेगा तो 49 नाइन सा कितने होते हैं वन ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पे तो आ जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स सामने लिख देना है क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना ज़्यादा लिख के तो यहाँ पे आ जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स प्लस इलेवन प्लस इलेवन और माइनस सिक्सटीन अब यहाँ पे मेरे को इन सभी को ऐड करना है तो मैं इनको ऐड करता हूँ एडिशन वाले फोर्टी थ्री एट्टी सेवन इलेवन एलेवन ट्वेंटी टू फोर्टी थ्री एट्टी सेवन ट्वेंटी टू सात तीन दस दो बारह आठ चार बारह एक तेरह और दो पंद्रह तो वन फिफ्टी टू आ चुका है वन फिफ्टी टू वन ट्वेंटी सिक्स और सिक्सटीन को तो यह हो जाएगा वन थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स और वन फोर्टी टू इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है टेन और ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको किया होगा ईजी क्वेश्चन था बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दे दी थी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी अगर अभी तक की सीरीज़ पसंद आ रहा है अभी तक का कंसेप्ट अभी तक के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे को बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ठीक है थीके? आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि जितना आप लाइक करोगे मेरे को उतना ही पता चलेगा कि आ, मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए क्या हो रही है मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है चलिए तो अब आपके पास क्या दे रखे विच ऑफ़ द फॉलोइंग फॉलोइंग्राम वेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन और इनके बीच में ठीक है यूटेंशियल स्पून स्टील आइटम यूटेंशियल स्पून स्टील आइटम ठीक है अब आपको बताना है बर्तन चम्मच और बर्तन चम्मच और स्टील की वस्तुएं इनमें से कौन सा वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वेंडाइग्राम तो पहले वाला तो आप देख के बोल दोगे सर ये तो कभी भी नहीं करेगा ठीक है दूसरे वाला ये कर रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्यों क्योंकि ये वाला अलग हो चुका है ये अलग नहीं आएगा क्योंकि है तो तीनों एक ही कैटेगरी के जो बर्तन होते हैं वही यूटेंशियल में आते हैं जो बर्तन होते हैं वही हमारे बर्तनों में ही चम्मच आता है और बर्तन क्या होते हैं मैक्सिमम केसेस में स्टील के भी होते हैं तो ये तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये वाला क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इसने इसको छोड़ दिया तो अगर मैं देखूँ तो इसकी वेंडाइग्राम कैसे बनेगी सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्पून फिर आ जाएगा यूटेंशियल और ये लास्ट में आ जाएगा स्टील ठीक है क्योंकि जो भी आपके पास आइटम होगी इनमें से कुछ आइटम हो सकते हैं स्टील की हो ऐसे हो तो इसका जो राइट वेन वनडाइग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता होगी कैसे वेन वनडाइग्राम बनाते हैं कैसे नहीं तो आप इसको आराम से कर लोगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने इसको ट्राई कीजिए देखते हैं कितने बच्चे इसको निकालते हैं फिर मैं भी आपको इसका लॉजिक बताता हूँ ठीक है आपके पास एक सीरीज दे रखिए इलेवन थर्टीन सेवनटीन थर्टी फाइव थर्टी थर्टी थ्री थर्टी फाइव थर्टी नाइन वन एटी नाइन वन नाइनटी वन और क्वेश्चन मार्क आपको बताना है इनमें से क्या लॉजिक हो सकता है तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूँ तो यहाँ पे तो टू का इंक्रीज दिख रहा है और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लस फोर दिख रहा है यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फिर से टू और यहाँ पे फिर से फोर मतलब एक लॉजिक मेरे पास हो सकता है नेक्स्ट देखते हैं वन एटी नाइन में अगर मैं टू का इंक्रीज़ कर दूँ तो वन नाइन्टी वन और यहाँ पे जैसे ही मैं फोर का इंक्रीज करूंगा वन नाइनटी फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका इजी सा आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन तो इजी था बस आपको पता होना चाहिए राइट right अप्रोच क्या होती है इन क्वेश्चन को करने की अगर राइट right अप्रोच आपको पता है तो इन क्वेश्चनों में आप कभी भी नहीं फंसोगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी मैं कलर चेंज करता हूँ आप इसको ट्राई कीजिए ठीक है क्या बोला है सिलेक्ट अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर इनको आपको एक लॉजिक और मीनिंगफुल ऑर्डर में सेट करना है सबसे पहले दे के रखा है नोज दे रखा है फोर हेड दे रखा है दूसरा दे रखा है चिन वेस्ट चेस्ट आपको बताना है इनमें से सबसे आइटम पहले वाली आइटम कौन सी होती है तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आता है फोर हेड फोर हेड मतलब सेकेंड अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो सामने डायरेक्ट डिर, डिर, क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी सेकेंड के बाद नो फोर हेड के बाद क्या आ जाता है नोज नोज आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन तो टू वन वाला मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो जो एग्जामिनर है ना उसने पेपर किस तरह से सेट किया हुआ है एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम लगा रहा है और एक क्वेश्चन बस एक ऑप्शन से ही निकल जा रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे सी के एग्जाम में तो इनको इसी तरह से कीजिएगा तो जैसे अभी पता लग गया टू वन है तो इसको आगे करने option A, की जरूरत नहीं ऑप्शन ए मार्क किया आपका राइट आंसर आ गया चलते तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखते हैं इसमें क्या बोला है प्रोग्रेस अच्छा आपको ये लेटर सीरीज दे रखी है इसको फिल करना है आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा ठीक है तो करते हैं आप सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए देखते हैं कितने बच्चे इसको खुद ट्राई करते हैं मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है पी आर ओ आर डबल एस यहाँ पे मैं इसका कोड लिख लेता हूँ क्यू टी ओ जी आर ई डबल एस अगर आप यहाँ देखो तो ये सारे के सारे डिजिट तो सेम है यहाँ से लेके ये वाला डिजिट तो सारे के सारे आगे से सिर्फ फर्स्ट टू डिजिट में चेंज किया और इसमें भी प्लस वन का इंक्रीज और इसमें प्लस टू का इंक्रीज किया हुआ है अभी इसी सीरीज को आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखो क्यू टी में कोई भी चेंज नहीं है और आर ई एस में भी कोई चेंज नहीं है मतलब अगले दो डिजिट को चेंज किया नेक्स्ट दो डिजिट को चेंज किया यहाँ पे मैं ओ और आर में देखता हूँ तो ओ की वैल्यू होती है 15 और आर की वैल्यू 18 तो प्लस थ्री का इंक्रीज ई की वैल्यू होती है फोर सेवन और के की वैल्यू होती है इलेवन तो यहाँ पे प्लस फोर का इंक्रीज बाकी सेम है बाकी बिल्कुल सेम है बहुत ही प्यारा लॉजिक है मतलब पहले दो डिजिट फिर अगले दो डिजिट मतलब अब अगले मेरे को दो डिजिट चेंज करने हैं आर ई आर ई को चेंज करना है ठीक है आर e ई को चेंज करना है मतलब इससे पहले वाला ये तो चीज़ सेम ही रहेगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्यू टी आर के तो यहाँ पे तो ये चीज आ जाएगी क्यू टी आर के अब फोर हो चुका है आर में मेरे को प्लस फाइव करना है आर की वैल्यू एटीन फाइव एडिशन करने पे आ जाएगा डब्ल्यू ठीक है यहाँ पे मैं करूंगा सिक्स इसकी वैल्यू होती है फाइव छः में जैसे पाँच ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा के तो क्यू टी आर के डब्ल्यू के क्यू टी आर के डब्ल्यू के क्यू टी आर के डब्ल्यू के तो ये भी अच्छा तो ये तो क्यू से नहीं हो रहा ठीक है ये भी है ये भी है, ये भी है. अब यहाँ पे इन दोनों को चेंज किया लास्ट में बचा एस एस तो ये वाला तो हो जाएगा एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास क्या गया, right आ गया राइट आंसर आ गया इजी क्वेश्चन था ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था बस थोड़ा सा लॉजिक बहुत अच्छा था ठीक है अगर इस तरह के अगर आपको लॉजिक देखने को मिलेंगे तो मतलब पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर वीडियो अच्छी लगी अभी तक के क्वेश्चन आपको समझ आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है चलिए देखते इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको बोला है आपको सेम रिलेशन दे रखा अच्छा आपको एक वर्ड दे रखा है जैसे अल्टरे क्या है अल्टेराइज और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके बीच में कोई रिलेशन है अगर हम हिंदी में देखें धमनिया और संचार प्रणाली प्रणाली ठीक है अब इनके बीच में कोई रिलेशन है उसी रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे कोई एक ऐसा होगा जो सेम रिलेशन फॉलो करेगा अगर आप यहाँ पे देखो जो आपकी धमनियाँ होती हैं ये किसका सिस्ट किस अंदर आती हैं तो अगर जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना उसी के अंदर आपकी क्या आती हैं ये धमनियाँ आती हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रे जो भी बोलते हैं ठीक है तो इसी के अंदर आती हैं तो अब मेरे को देखना है ऐसा कौन सी चीज़ है जो उसी के अंदर आती है और उसी के साथ काम करती है तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है नर्व्स आती हैं तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए जो तो नर्व्स होती हैं वो कहाँ होती है नर्वस सिस्टम के अंदर होती है इसीलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा ईजी था जस्ट ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दे रखी है एक फिगर दे रखी है ठीक है सीरीज भी नहीं बोल सकते एक फिगर दे रखी है आपको देखना है इसमें क्या चेंज आ रहा है अगर आप पहले में देखो तो पहले में तो दो अच्छा मैं कलर चेंज करता हूँ आप भी ट्राई कीजिए पहले में देखो तो ये दो लाइन थी ठीक है आगे चली गई ये कितनी हो गई तीन नेक्स्ट में कितनी हो गई चार मतलब डेफिनेटली इसके बाद पांच आएंगी तो पांच वाली वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यानी कि ये वाला एलिमिनेट ये वाला एलिमिनेट एलिमिनेशन मैथड आपको लगाना ही लगाना है अब यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर यहाँ पे थ्री यहाँ पे टू मतलब यहां पे ये यह डिक्रीज हो रही है तो यहां पे भी डिक्रीज होकर दो से एक रह जाएगी मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा तो इजी क्वेश्चन था जस्ट आपको फिगर देखनी थी और बताना था इसका राइट आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी अब मेरे पास दे रखा है फॉक्स ठीक है फॉक्स का कोड दे रखा है वन जीरो एट स्कूप का कोड दे रखा है वन फोर्टी एट अपसाइड इसका कोड आपको निकालना है तो ये रहा आपके लिए होमवर्क इसको जरूर कीजिएगा इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसा कोई हार्ड लॉजिक होता नहीं है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन तरह इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन किए तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा देखते हैं कितना बच्चे इसका आंसर देते हैं क्योंकि ईजी क्वेश्चन है इसमें कोई ज़्यादा हार्ड लॉजिक होता नहीं चलिए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं अब मेरे पास क्या दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वैनर ठीक है आपको एक सीरीज दे रखी है आपको सबसे पहले इससे लॉजिक निकालना है कि 14, 17 और 961 में क्या लॉजिक हो सकता है वही लॉजिक लगा के इनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो वो लॉजिक फॉलो कर रही है मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप इसको सॉल्व कीजिए फोर्टीन सेवनटीन नाइन सिक्सटी वन ठीक है देखते हैं होता क्या है अगर मैं 14 और सेवनटीन का एडिशन कर दूँ चौदह और सत्रह सात चार ग्यारह एक और एक दो तो तीन तीन थर्टी वन और थर्टी वन का अगर मैं स्क्वेयर देखूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है नाइन सिक्सटी वन आ जाता है तो ये तो थर्टी वन का क्या हो जाएगा स्क्यर हो जाएगा हो सकता है एक लॉजिक हो तो हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले किसको चेक करें कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ग्यारह और बारह दो एक तीन एक एक तेईस का स्क्यर निकालना है अब आपको किसका स्क्यर निकालना है तेईस का स्क्यर निकालना है आपको पता है तेईस का स्क्वेयर सेवन ट्वेंटी नाइन तो होता है नहीं कैसे पता पच्चीस का स्क्यर कितना होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव होता है तो इससे कम ही आएगा तो इसके कम आएगा तो तेईस का स्क्यर होगा नहीं मतलब ये वाला तो होगा नहीं नेक्स्ट देखते हैं बारह और अठारह को आठ दो दस जीरो एक दो तीन तीन सॉरी थर्टी थर्टी का स्क्वायर कितना होता है नाइन हंड्रेड तो ये भी नहीं होगा मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा अगला देखते हैं थर्टीन और नाइनटीन को ठीक है थर्टीन और नाइनटीन तो इनको एडिशन करने पे मेरे पास कितना आ जाता है थर्टी टू ठीक है थर्टी टू का स्क्वायर तीन बारह एक ठीक है थर्टी टू का स्क्वायर होता है वन जीरो टू फोर तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा? Right आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा लॉजिक वही था जो हमने देखा था सबसे पहले क्या किया इन दोनों का एडिशन किया जो नंबर आएगा उसका क्या कर देना है स्क्वेयर निकालना और ये वैल्यू निकाल लेनी है तो अगर आप इसको देखो तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या आ जाता है राइट right आंसर आ जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप अगर अगर आपको ये क्वेश्चन निकल गया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं निकला तो कोई नहीं चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन ठीक है जी अब बोला है फैमिली इज रिलेटेड टू अप ब्रिंगिंग इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू ठीक है आपको बताना है कि फैमिली का जैसे अगर मैं हिंदी में बोलू परिवार का संबंध है परवरिश है ठीक है हमें परिवार क्या सिखाता है परवरिश सिखाता है उसी तरह विद्यालय जो तो हमारा स्कूल होता है वहाँ पे हमें क्या मिलता है करिकुलम मिलता है नहीं पेरेंट्स मिलते हैं नहीं चिल्ड्रन नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन मिलती है स्कूल हम जाते हैं किस लिए है? ताकि हम क्या कर सके एजुकेशन ले सके तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इजी क्वेश्चन था आराम से आप इसको कर सकते हो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अच्छा आपको जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं ट्वेंटी थ्री फाइव ट्वेंटी सेवन नाइनटीन क्वेश्चन मार्क जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है वैसे यहाँ पे कोई रिलेशन लगा के आपको निकालना है नेक्स्ट डिजिट ठीक है तो देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कैसे कर सकते हो जी जी क्या हो सकता है ट्वेंटी थ्री से फाइव ट्वेंटी सेवन पे जाना है तो अगर मैं यहाँ पे इससे ई ट्वेंटी वन और टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो नहीं हो सकता तो लॉजिक क्या हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या होगा क्या होगा अगर ट्वेंटी थ्री को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे पहले okay. थ्री टू सिक्स टू टू फोर थ्री टू सिक्स छः चार दस जीरो दो दो चार एक पाँच पाँच सौ छः तो मेरे पास आ गया ठीक है अब पाँच सौ छः में मेरे को किसका एडिशन करना है मेरे पास अच्छा पाँच सौ छः में अगर मैं ट्वेंटी वन का एडिशन कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है फाइव ट्वेंटी सेवन एक लॉजिक हो सकता है तो सबसे पहला लॉजिक क्या था अगर मैं ट्वेंटी थ्री में माइनस वन करूँ तो जो वैल्यू आ रही है उसको मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ठीक है और नेक्स्ट आता है 23 में माइनस टू करूँ तो उसको क्या कर देना है ट्वेंटी उसका मेरे को करना है एडिशन मतलब पहले वाले को मल्टीप्लाई दूसरे वाले को एडिशन तो इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं नाइनटीन में माइनस वन किया तो मेरे पास आया एटीन ठीक है एटीन को किससे मल्टीप्लाई किया हमने नाइनटीन करते हैं यहाँ पे एटीन और नाइन्टीन एट नाइन सेवेंटी टू टू कैरी सेवन आठ नौ सतारा और सतारा और सात की तरफ चौदह चार एक बारह सात चौबीस वन 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 और टू थ्री फोर्टी टू आ जाएगा यहाँ पे तो मेरे पास आ गया थ्री फोर्टी टू अब नेक्स्ट क्या करना था दो कम करने थे थ्री नाइनटीन में दो कम किए तो सेवनटीन सात दो नौ चार एक पाँच थ्री फिफ्टी नाइन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास आ चुका है राइट आंसर बहुत प्यारा क्वेश्चन था क्या किया हुआ था लॉजिक कैसा था जो पहला डिजिट है उसमें पहले एक माइनस करो जो वैल्यू आएगी उससे इसको मल्टीप्लाई करो फिर उसमें से दो माइनस करो और उसका एडिशन कर दो तो अगर आप वो लॉजिक लगाते हो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा क्या था कैलकुलेटिव था तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी आपके लिए ये देखे जा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को ये आपने करना है होमवर्क ठीक है अगर चलिए देखते हैं इसमें दिया गया चलो इसको करवाई देते क्या बोला फोन नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ थ्री आर लाइक इन द सेम एन वन इज डिफरेंस लैक द नंबर पेयर ठीक है सेवेंटी टू फोर्टी टू फोर्टी फोर सिक्सटीन फिफ्टी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले से सेकंड वाली वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे भी कम हो रही है यहाँ पे, पे भी कम हो रही है और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो एक ऑप्शन हो सकता है मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right आंसर होगा क्यों यहाँ पे अगर तीन लॉजिक देखें तो पहले में कम हुई सेकंड में भी कम हुई थर्ड में कम हुई और फोर्थ में क्या हुई एकदम से इंक्रीज हुई यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कीजिएगा हो सकता है कोई इसमें और भी मैथड लगे तो आपका अपना मैथड होगा तो देखिएगा देखते हैं क्या आता है आपका ठीक है नेक्स्ट बोला फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ थ्री आर लाइक इन द सेम मैनर वन इज डिफरेंट फिर से आपको ओड वन ढूंढना है यहाँ पे ओड वन ढूंढना है रशिया अफ्रीका एशिया और यूरोप ठीक है आप देखते हैं क्या है अगर आप यहाँ पे देखो अफ्रीका एशिया यूरोप ये सारे के सारे क्या होते हैं कॉन्टिनेंट हैं ठीक है ये सारे के सारे क्या हैं कॉन्टिनेंट है लेकिन रशिया जो क्या है यहाँ पे हमारे को कंट्री दे रखी है तो यहाँ पे ऑड वन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑड वन आउट होगा इजी क्वेश्चन था उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सेलेक्ट द मिरर इमेज इन द ठीक है आपके पास एक मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है एक इमेज दे रखी है आपको इसका मिरर इमेज बतानी है मिरर इमेज मतलब यहाँ पे जो इमेज होगी उसकी साइड यहाँ पे चेंज हो जाएगी लेफ्ट वाली चेंज हो जाएगी राइट right साइड में चेंज हो जाएगी ठीक है तो करते हैं इसको अब देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता लेकिन इसने याद रखना इसका जो मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है इसमें टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते बाकी लेफ्ट से राइट में चेंज आ जाते टॉप और बॉटम सेम रहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है देखते हैं और क्यू पी 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 तो पी कैसे हो जाएगा ये तो नहीं होगा ये तो सामने दिख रहा है फाइव नहीं आएगा यहाँ पे अच्छा ठीक ठीक है ये तो होगा फोर के साइड तो यहाँ पे क्या होगा गलत कर दिया एक मिनट देखना पड़ेगा जी दे हैं। और दे फोर एन सेवन गलत लग सेवन जी ठीक है तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो ना मैंने बोला था सिर्फ टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है इसका लेफ्ट और राइट चेंज होता है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है लेफ्ट वाला राइट right की तरफ चला जाता है और राइट right वाला लेफ्ट की तरफ चला जाता है तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी ऑप्शन नंबर डी इसकी क्या बनेगी मिरर इमेज बनेगी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ब्लड रिलेशन का देखते हैं कैसा क्वेश्चन है कैसे करते हैं इसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए अकॉर्डिंग टू अ फोटोग्राफ अ गर्ल आकांक्षा ठीक है राजीव said, हर डॉटर्स फादर्स माइफ्स mother इज my वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर इन लॉस ठीक है जी हिंदी में देखते हैं क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा क्या कर देता है कन्फ्यूज कर देता है ठीक है क्या बोला एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ठीक है मान लो ये आगे आपकी आकांक्षा ठीक है ये क्या आ गई आपकी आकांक्षा अब इसका जेंडर नहीं पता राजीव ने कहा कि उसकी बेटी जो आकांक्षा की क्या होगी बेटी होगी उसकी बेटी के पिता ठीक है आकांक्षा की बेटी के पिता मतलब इसके हस्बैंड ठीक है के की बेटी के पिता की पत्नी मतलब ये खुद पिता की पत्नी की माँ की माँ मतलब इसकी क्या आ जाएगी मदर आ जाएगी की माँ मेरी पत्नी की बेटी है मतलब राजीव क्या था की बेटी की दोबारा बनाता हूँ मैं थोड़ा सा हो गया ठीक है क्या दे रखा है है आप इसको कीजिएगा ठीक क्या बोला है एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा आकांक्षा के बारे में कहा कि बेटी मतलब आकांक्षा की क्या देगी बेटी के पिता आकांक्षा के बेटी के पिता मतलब इसके फादर ठीक है पिता पत्नी आकांक्षा माँ इस घटना मेरी पत्नी बेटी आजी जो की जो वाइफ है बेटी की पत्नी में बेटी माँ की सास है इसको थोड़ा तो सा तो यहाँ पे रिलेशन आ तो गए ठीक है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपस में मैच हो जाएगा क्यों ये दोनों भाई बहन बन जाएंगे तो यहाँ पे उसकी सा यहाँ पे उसकी क्या आ जाएगी सास आ जाएगी अब बोला है आकांक्षा राजीव आकांक्षा से किस तरह से संबंध करती है तो यहाँ पे आप देखो राजीव आकांक्षा का क्या होगा ब्रदर होगा ठीक है ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है लेकिन अगर आप इसको हिंदी में अगर करना चाहते हो तो हिंदी में ज़्यादा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में देखने से ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा एक बार इसको आप खुद भी ट्राई कीजिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नंबर सीरीज का देखते हैं क्या है मैं इसको लिखता हूँ आप इसको ट्राई कीजिए फोर्टी फाइव सिक्सटी थ्री वन जीरो वन वन सिक्सटी टू फोर वन क्वेश्चन मार्क ठीक है तो सबसे तो पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ तो तेरह में से पांच आठ यहाँ पे तो आ जाता है एटीन का गैप ठीक है नेक्स्ट देखता हूँ ग्यारह में से तीन गए आठ नौ छः तीन थर्टी एट तो अठारह और अठतीस में तो ऐसा कोई गैप तो रहा है दस में से एक गया नौ छ में से एक गया फिफ्टी नाइन ठीक है तो एक आठ ठीक है एटी वन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्दर मेरे को आगे जाना पड़ेगा तो यहाँ पे तो मेरे को ट्वेंटी का इनक्रीज दिख रहा है नौ में से आठ गए पाँच में से तीन गए दो तो ट्वेंटी वन का दिख रहा है ग्यारह में से नौ गए कितने बचते हैं दो सात में से पाँच गए तो दो तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो नेक्स्ट होगा ट्वेंटी थ्री एट्टी वन में जैसे मैं ट्वेंटी थ्री करूँगा तो वन ज़ीरो फोर अब टू फोर्टी वन में वन जीरो फोर का एडिशन कर दो चार एक पाँच चार दो एक तीन थ्री फोर्टी फाइव तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा इजी क्वेश्चन था बस आपको स्लोप पता होना चाहिए स्लोप मेथड मैंने ऑलरेडी करवा रखा है तो आप उसको जाकर जरूर देख सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ, लेटर कोडिंग का कोडिंग डी कोडिंग का तो मैं लिखता हूँ आप भी इसको ट्राई कीजिए ठीक है टेप अच्छा तो जी इसको तो कोड़ी बहुत खतरनाक दे रखा है एस यू जेड डी ओ क्यू पी ओ क्यू डी एफ ओ क्यू डी एफ इसमें क्या लॉजिक हो सकता है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लस वन और इसके बीच में वन है यहां पे माइनस वन है और यहां पे प्लस वन ठीक है तू हारा है एक मिनट में कर लिखती है यहां पे अगर देखते हैं पे जाता हूं यहां पे ऊपर की अगर एस से मैं टी पे जाता हूँ तब तो प्लस वन हो रहा है और टी e से मैं यू पे जाता हूँ तो माइनस वन हो रहा है जेड से मैं ए पे जाता हूँ तो प्लस वन आ रहा है ए से मैं आगे जाता हूँ फिर माइनस वन आ रहा है ठीक है ओ से मैं पी पे जाता हूँ e तो प्लस वन आएगा पी से मैं क्यू पे जाता हूँ माइनस वन आएगा ई से मैं बी पे जाता हूँ प्लस वन आएगा बी से मैं एफ पे जा रि हाँ ठीक है यहाँ पर प्लस वन आएगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे माइनस वन आएगा ठीक है नहीं ये तो उस तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन देखते हैं क्या ई ए पी ई एस यू रेड बी ऊ क्यू पी एफ अच्छा उल्टा कर रहा है ठीक 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 अगर आप देखो ए और बी ये दो पेयर बनेंगे ठीक है और ये वाले दो पेयर बनेंगे ई e से डी पे जाओगे तो माइनस वन करोगे ई e से एफ पे जाओगे तो प्लस वन करोगे ए से Z पे जाओगे तो माइनस वन करोगे यहाँ पे फिर से प्लस वन तो यहाँ पे भी माइनस वन प्लस वन एस से टी पे यहाँ पे जाओगे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन फिर ये पेयर बन रहे हैं अब आपसे पूछे मॉक का तो एम में सबसे पहले माइनस वन करोगे तो क्या आएगा अगर आप एम में माइनस वन करते हो तो आप क्या हो रहा है ठीक है एम में माइनस वन करते हो तो आपके पास आ जाता है एल ठीक है और एम में जैसे ही प्लस वन करोगे तो आ जाएगा एन तो यहाँ से तो ये ऑप्शन में एलिमिनेट ये वाली ऑप्शन में एलिमिनेट तो सामने दिख रहा है एक ही ऑप्शन है वो कौन सी है ऑप्शन नंबर बी ये भी एलिमिनेट सिर्फ ए के निकालना था हमने ऐसे पूरा फालतू का फालतू निकाला ठीक है तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या लॉजिक था सबसे पहले माइनस वन फिर प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन दो दो पेयर बना के रखे हुए थे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है आपके पास का मैं इसकी बनाता हूं, आप इसको साथ में ट्राई कीजिए बाउल ठीक है, अब बोला है सम आर बोटल, और बोटल में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा सम, सम आर बोटल सम ग्लासेज आर बोटल ठीक है जी बिल्कुल सही यहाँ पे दिख रहे हैं सम ग्लासेज आर बोटल आगे बोला नो बाउल इज बोटल कोई भी बाउल बोटल नहीं है पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकते लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे जो आंसर होगा आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कैसे क्योंकि यहाँ पे देखो सम नो सेम चीज़ है ये वाली चीज़ ऑलरेडी सेम है दोनों चीज़ें सेम है और कंडीशन है सम और नो no की यहाँ पे तो आ जाएगा आइदर वन और थ्री लेकिन ओनली कंक्लूजन सेकेंड भी फॉलो कर रहा है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस चीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि ये वाली चीज़ आपको गलत करवा सकती है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी तो ये वाला क्वेश्चन मैं देख जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया है ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क और यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो मेरे को कुछ लग नहीं रहे थे कि करवाने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज का कंसेप्ट आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द तब तक के लिए धन्यवाद